हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, कौन से तथ्य पर आधारित है भारत में प्रजातंत्र? देखते हैं, ए हमारा है संविधान लिखित है, बी है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, सी है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और डी यहाँ पे है कि यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं, लिखित संविधान भी है, मौलिक अधिकार भी है यहाँ पे, और राज्य के नीति निदेशक तत्व भी हैं, लेकिन जो तथ्य पर आधारित है प्रजातंत्र वह ये है कि जनता को जो है सरकार चुनने का और उसको बदलने का जो है अधिकार प्राप्त है इंडिया में। ठीक है, ये जो हमारा सी है, ठीक है, सी जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता जो है को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार का ही द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। ठीक है, जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन नहीं करते या उचित जो है तरीके से जो जो रूल्स हैं, जो उनकी बातें हैं वो नहीं सुनी जाती, तो समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, और चुनाव के माध्यम से जो सत्तारूढ़ जो दल और सरकार होती है क्या होता है उसको पराजित करके हटा दिया जाता है। ठीक है ना, दूसरी गवर्नमेंट ला दी जाती है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने की पद्धतियों को। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो देखिए, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को ये सही नहीं दिख रहा है। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, तो ये भी नहीं। देखिए, जो अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो आपका सही है। साधारण गुणों और साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ये क्या, इसको क्रियाशील बनाता है लोकतंत्र हमारा, इसको क्रियाशील। क्योंकि लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, लोग जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, लोग जो है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जो उनके पास जो राइट है वो अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र एक उत्कृष्ट गुण है, यह जो है साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की जो कि समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी, जो अच्छा जो नागरिक है उसकी सक्रिय भागीदारी समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। चूंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह जो है अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। ठीक है ना, लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोग जो को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या है कि उनको निर्णय लेने की जरूरत होती है, तो एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें जो है ये जानना जरूरी होता है कि कौन प्रतिनिधि है और वो जो है क्या, वो जिसको हम रिप्रेजेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उस योग्य है, क्या वो इस तरीके से, तो नहीं है कि हमने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट कर दिया और वहां पे जाके उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, ऑटोक्रेट हो जाता है, वो सिर्फ अपनी बातें जो है आप दूसरे के ऊपर थोपने लगता है। तो ये सारी चीजों का निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, ऑप्शन है सभी मामलों के अंतिम अधिकार जनता के पास हैं। दूसरा क्या है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तीसरा क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो बिल्कुल सही है, भारत गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, अब शासन नहीं है लेकिन क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, ये अर्थ पूछ रहा है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता है वो नहीं है भारत में। तो ये हमारा सही जो है उत्तर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है। गणतंत्र का आशय है कि जो राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत के राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इस प्रकार भारत एक
गणतंत्र है, ठीक है, क्या है, भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित होता है, क्या अंतर्निहित होता है, तो देखिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, जो भारत गणतंत्र होता है वहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो क्राउन नहीं होते हैं, वो कोई राजा नहीं होते हैं, जो जो है अपने जो है उत्तराधिकारी को फिर से वो स्थानांतरित कर देंगे सत्ता, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना, ये हमारा सही है गणतंत्र के बारे में। राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से, संविधान से प्राप्त होता है। अभी हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखा था कि राज्य और केंद्र को जो प्राधिकार प्राप्त होता है हमारे संविधान से होता है। देखिए जो संविधान से जो है प्राधिकार इनको प्राप्त होता है क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली का स्रोत जो है वो संविधान है, जो हमारी भारतीय शासन प्रणाली है उसका स्रोत क्या है, संविधान है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसने क्या है विधि नहीं विधि नहीं है विनिर्धारित किससे किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, कौन सा जो है ऐसा वाक्य है जिससे ये विनिर्धारित होता है, ये जो है पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, क्योंकि ये जो है भारत का संविधान लिखित तो और अनम्य है, ऐसा तो इससे नहीं होता कि जो है परिसंघीय है। न्याय के न्याय जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन परिसंघीय का क्या मतलब है इससे। सी हमारा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में तो निहित होती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन परिसंघ से हमें मतलब है, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा इससे जो है पता चलेगा कि ये परिसंघ है, ठीक है। देखिए कोई राज्य संघात्मक अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, संघात्मक है या फिर एकात्मक है, ये जो है जो शक्ति का विभाजन होगा स्टेट और जो है सेंटर के बीच में उससे जो है जाना जाता है। यदि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, अगर शक्ति का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय कहा जाता है, अगर शक्ति का विभाजन है तो संघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय है, परिसंघीय क्यों है, क्योंकि देखिए क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनको क्या क्या है वितरित किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, तो अंततः कठोर और अंततः लचीला, तो हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, लेकिन अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जाता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे उपबंध यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जो है साधारण बहुमत से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी उपबंध हैं जिसमें जो है अनुच्छेद 368 के अधीन दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, साथ ही कुछ अन्य उपबंधों के संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से न्यून राज्यों को अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। सब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में देखेंगे, अभी ये पूछ रहे हैं कि अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हम विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसके संशोधन के बिना ही अनुच्छेद 368 में हमें नहीं जाना पड़ेगा, उसको हम जो है विदाउट अमेंडमेंट कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें अमेंडमेंट संविधान का संशोधन करने की जरूरत पड़ती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, और 2/3 जो है बहुमत की आवश्यकता होती है, और साथ में क्या होता है संसद के लिए विशेष बहुमत के बाद भी आधे से अधिक यानी आधे से अन्यून आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन उनका जो है सपोर्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। अब भारत के संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है, देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व, तो क्या वहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, देख लीजिए न्यायिक समीक्षा, दूसरा है द्विसद नामक व्यवस्थापिका, और फोर्थ हमारा है जो है वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका, ठीक है। तो ये हमारा अंतर का जो प्रणाली में जो अंतर है उसका मुख्य बिंदु क्या है, तो हमारा मुख्य बिंदु जो आपका है वो है न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा। देखिए क्या पूछ रहे हैं, भारत का संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु क्या है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो वहां पे भी है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका दोनों जगह है, लेकिन जो न्यायिक समीक्षा है वो कहाँ से, वो इंडिया जो है
उस अगर न्यायिक समीक्षा की बात करें तो इंडिया क्लोज है अमेरिका के, न कि ब्रिटेन के, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे न्यायिक समीक्षा है। तो देखिए, ब्रिटिश जो संसद है लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, ठीक है, जबकि भारतीय जो संसद है वह उसकी शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायिक समीक्षा, वहां पे लिखित संविधान ही नहीं है ना, यहाँ पे लिखित संविधान है और जो है हम यहाँ पे न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। अब देखिए, जो कथन है यहाँ पे इसको विचार करना और अंत में दिए गए खूंटों का सही जो है चयन करना है। ए हमारा है असर्शन, यानी कि कथन हमारा है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। दूसरा हमारा है उनसे एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है, तो संघीय है। अब देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है बी, मतलब दोनों ए और आर सही हैं और ए और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिए, भारत की जो संविधान है वो संघीय प्रणाली का प्रावधान करती है, ठीक है, संघीय प्रणाली है यहाँ पे। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र, हमारा यहाँ पे क्या है, पावरफुल होता है, केंद्र में शक्ति ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम पूछें कि जो है बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की वजह से एक संघीय प्रणाली भारत है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा हो गया, ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए जो है, आर जो है, ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य संघीय क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं। संघीय प्रणाली में क्या है, क्योंकि दोनों जो है क्या है, कि जो आपकी सेंट्रल स्टेट है दोनों में शक्तियों का जो पृथक्करण है उनका विभाजन है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है पूर्ण जो है संघ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें बहुत यूनिटरी होती है, कुछ चीजें बहुत सेंट्रलाइज होती है, जो केंद्र होती है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो क्या संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, देख लीजिए, सी है, ए सही है क्यों और आर गलत है। तो भारत में संघवादिता व्यवहारित नहीं है क्योंकि सेंटर कहीं कहीं जो है क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और संघवादिता में क्या है, दोनों जो है सेंट्रल स्टेट जो है एक पावर शेयर करते हो। यहाँ पे क्या है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो संघीय राज्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे निम्न से कौन कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये तो बिल्कुल है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तो देखिए, संविधान जो है एक संघीय जो राष्ट्र होता है उसमें संविधान जो है होता है, तो ये हो गया लिखित संविधान है। एकहरी नागरिकता, तो देखिए लक्षण कौन सा नहीं है, ठीक है, तो एकहरी नागरिकता लक्षण नहीं है, और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है यहाँ पे ये लक्षण है, ठीक है, किसमें, संघीय जो है संविधान के लक्षण। तो देखिए, एकहरी नागरिकता जो होती है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, ठीक है, भारत के संविधान का संघीय लक्षण पूछा हुआ उन्होंने। तो एकहरी नागरिकता हमारे यहाँ कहाँ है, ये तो कहाँ पे है, एकहरी नागरिकता कहाँ पे है, अमेरिका में है ना, तो ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एकहरी नागरिकता जो है वो जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्म और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं, एकात्मकता और संघात्मकता, ठीक है, मतलब यूनिटरी और फेडरल दोनों ही जो है विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक जो लक्षण है वो क्या है, लिखित संविधान, कठोर संविधान, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, द्विसदनीय मंत्रिमंडल आदि। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, जो यूनिटरी जो फीचर्स हैं उसमें एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, राज्यपालों की जो राज्यपाल हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ठीक है, राज्यपालों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा। एकात्मक में क्या है, एकल नागरिकता है, राज्यपालों की जो है राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति है वो भी एकल है, ठीक है, क्योंकि सेंटर यहाँ पे प्रिवेल करता है, सेंटर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो जब आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा होती है तो सेंटर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है, ये सारे जो है यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, तो कौन से तत्व एकात्मक है भारतीय संघीय व्यवस्था में, ठीक है। तो देखिए, जो संघीय व्यवस्था है, भारतीय संघीय व्यवस्था है, उसमें एकात्मक कौन कौन से, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति क्लियरली जो है ये एकात्मक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण,
जो ये जो है हमारा ये नहीं है, ये फेडरल है, ठीक है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति तो ये हमारा है, यानी कि ये हो गया फोर और फोर और सिक्स, ठीक है। संवैधानिक संकट ये भी है, ठीक है। एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब देखिए ई जो है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक बार फिर से देखते हैं इसको, देख लीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, एक अच्छा भारतीय संघ की बात कर रहा है, तो भारतीय जो है संघीय व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो है ई है कोई नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, विकल्प ई जो है सही उत्तर है, दिए गए सभी जो है तत्वों में से क्रम संख्या चार और छह और सात पर उल्लेखित तत्व ही भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व यूनिटरी एलिमेंट्स है। हाँ बिल्कुल सही था, सही एक्सप्लेनेशन किया गया है, परंतु ये तीनों किसी भी विकल्प में एक साथ विद्यमान, अच्छा उसमें विकल्प था, ठीक है। तो ये जो तीनों है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक साथ कहीं विद्यमान नहीं है, ठीक है। और ये सभी तत्व परसंघीय फेडरल, जो बाकी के हैं जो फेडरल जो है सिस्टम के अनिवार्य तत्व हैं, तो जो है क्रम फाइव आप ये देख लीजिएगा, इसमें जो जो है और जो हमारे बचे हुए, जैसे एक बार मैं फिर से इस पर बैक हो जाती हूँ, देख लीजिए इसमें जो है ये हमारा जो, हाँ राज्यपाल की नियुक्ति शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये नहीं, राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो ये जो तीन जो है एलिमेंट्स हैं वो जो हमारे यूनिटरी फीचर्स के हैं, ठीक है। तीन एलिमेंट्स जो है वो यूनिटरी फीचर्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ देखिए इसमें है कि राज्यों का नाम और भूगोल राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति, आर्टिकल जो है टू और थ्री, और इसके पहले क्या था, इसके पहले जरा यहाँ से देख लेते हैं इसको। देखिए राज्यपाल संबंधी उपबंध जो होते हैं, राज्यपाल संबंधी उपबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध, ठीक है, 356 एवं संवर्ती सूची और उसमें जो प्रगणित विषय है उस पर जो है संघ की, देखिए इसमें जब क्या है संवर्ती सूची में जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो सेंटर होती है वो प्रिवेल करती है, उसकी पावर जो है ज़्यादा हो जाती है। और आपका है राज्यों का नाम और भूगोल बदलने की संसद की शक्ति, ये भी एकात्मकता की तरफ जो है देती है इशारा। राज्यों को की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, राज्यों को कमजोर वित्तीय शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है कि जो फाइनेंस है तो वो जो है एक प्रॉपर वे में किया जाए, उनको उनके डिमांड अलग होती है। संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका, तो जब संविधान संशोधन होता है तो राज्यों की भूमिका जो है कम होती है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अखिल भारतीय सेवा संबंधी जो संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध है, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में जो राज्य हैं उनके उनका जो प्रतिनिधित्व होता है वो भी असमान है, और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, ठीक है। तो ये सारे एकात्मक तत्व हैं जिनके कारण हमारा संविधान है वो पूर्ववर्ती परसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा में, अब छत्तीसगढ़ में क्या कहा गया देख लीजिए। नेक्स्ट में हम इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, ठीक है, कौन सा एकात्मक तत्व है, ठीक है। तो इसमें जो है वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है अलग है। तो देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये तो हमारा यूनिटरी फीचर हो जाएगा, तो ये नहीं है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है तो ये बिल्कुल, ये राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये हमारा सही है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये भी हमारा सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन अखिल भारतीय सेवाएं तो ये हमारा पांचवा सही हो जाएगा। और जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा जो बी है सही है, तो बी में है दो तीन और पांच, ठीक है। तो दो मतलब ये राज्यपाल की नियुक्ति, तीन हमारा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और जो है पांच जो है हमारा है अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये हमारा तीनों सही है, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था ये नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी जो है यूनिटरी फीचर्स नहीं है, तो ये जो हमारे तीनों फीचर्स हैं देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक, जो अनुच्छेद एक है में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है। भारत संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक जो तत्व है वो भी विद्यमान है। जैसे एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, एकात्मक तत्व देख लेते हैं। देखिए ये हैं
सशक्त केंद्र, ठीक है, केंद्र जो है मोर पावरफुल होता है, एकल नागरिकता, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्त, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान आदि, ये सारी जो है ये हमारी क्या है, एकात्मक है। और स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। तो मतलब यूनिटरी जो है बायस है, लेकिन जो है सिस्टम हमारा फेडरल है, ठीक है, लेकिन हमारा थोड़ा सा बायसनेस किधर है, यूनिटरी की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, 39th क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है, संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही। अब यूनिटरी नहीं पूछ रहा, अब संघीय पूछ रहा है। तो संविधान जो है शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करता है, ठीक है, संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करता है। नेक्स्ट हमारा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। नेक्स्ट हमारा है विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी जो विधायिका की वित्तीय और न्यायिक, जो देखिए विधायिका की वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, ठीक है। तो ये जो हमारा है कौन सा जो है पूछ रहा है कि आपका संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था कौन सा होना चाहिए, देखिए ये हमारा है जो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था जो है प्रस्तावना की प्रस्तावना करता है, बिल्कुल संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ठीक है। दूसरा हमारा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो अभी हमने देखा ना कि यूनिटरी बायस है, ठीक है तो संघीय फेडरल है लेकिन यूनिटरी बायस है, तो ये एक और दो सही है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते, देखिए भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान या प्रस्तावना की गई है, लेकिन एकल नागरिकता और केंद्र, जो एकल नागरिकता और केंद्र की तुलना में राज्यों केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति इसकी एकात्मक झुकाव को जो है प्रदान करते हैं। तो एक और दो सही है, तीन और चार गलत है, क्योंकि राज्य जो है विधायिकाएं रक्षा और वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है कि इसमें क्या बताया गया, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में ये कहा गया था कि दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। तो प्रभुता संपन्न इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी, जैसे आपका क्या हो गया कि राज्य विधायिकाएं रक्षा और वैदेशिक जो मामले हैं उसमें जो है अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, संघ और राज्य के मध्य विभाजन नहीं है। तो इसमें जो है हमारा क्या था कि ये है, और हाँ दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, और यहाँ पे क्या है वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित है, विभाजित नहीं है, ये जो है एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ये सोपानबद्ध क्रम है, एक्चुअली हायरार्की है, समझ रहे ना, हायरार्की है उसमें, इसलिए वो विभाजित नहीं है, तो ये दोनों जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। तो परोक्षतः मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है, वही देखना, परोक्षतः मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट निर्वाचित है, बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट निर्वाचित है। और नेक्स्ट हमारा है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो हमारा ए सही है, दोनों सही है, भारत का जो राष्ट्रपति वो परोक्षतः जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और भारत के संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, जिसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता है, तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 41st, देखते हैं, देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, पहला ऑप्शन ये है, और लोग खराब शासन के लिए समानांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, दोनों ही सही है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो जीवन रक्त होते हैं, और अगर खराब जो है कोई जो है शासन रहता है तो लोग दल को कोसते हैं,
राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र का जीवन रक्त है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार के निर्माण और जो है नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, दल में दल विहीन प्रजातंत्र, दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जो आपका है, महात्मा गांधी ने भी ये प्रस्तावित किया था और जयप्रकाश नारायण ने भी, दल विहीन प्रजातंत्र। तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। नेक्स्ट हमारा है भारत की जो संघात्मक जो संरचना का मुख्य उद्देश्य, इसकी बहुआयामी जो संघात्मक संरचना है, सॉरी, संघात्मक संरचना का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विविधताओं के जो सामंजस्य होता है उसमें सामंजस्य बढ़ाने के लिए सामंजन से एक सशक्त जो विविधताओं हैं विविधताएं हैं उनके सामंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीय एकता का निर्माण हुआ है। तो देखिए क्या है, ये हमारा बी है, सही तो दोनों है, लेकिन जो हमारा आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। सही दोनों है अपनी अपनी जगह। देखिए, जो जो विविधता है उसका समंजन है, इसकी वजह से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है और ये सही है। भारत की संघात्मक जो रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र को का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखना है। क्यों? क्योंकि अगर जो है यूनिटरी हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा, तो बायसनेस नहीं चलेगा, इसलिए जो है उसको जो है फेडरल रखा गया, संघीय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसमें 26 जनवरी 2020 को 20 से 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं। जो संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक जो है शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित रखना है। इसके कारण विविधताओं के सामंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, ए और जो है आर इसमें भी है। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ये भी हमारा सही है। तो जो है दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो आर है वही को एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखिए, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा तथा उनका आत्मसम्मान गरिमा को बढ़ाता है। ठीक है, उनकी जो रक्षा होती है उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को जो है लोकतंत्र बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए हमारा सही है दोनों। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो देखिए, इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। बिल्कुल सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रधान है। एक जो है ये भी सही है, एक से यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। बिल्कुल सही है। रीजन्स बहुत सारे एरियाज हैं, तो इसकी जो है जो आपका सबसे बड़ा होने का ये भी एक कारण है। और नेक्स्ट हमारा यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग संविधान नहीं बल्कि एक ही संविधान, इसलिए बड़ा है। भारत संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है बल्कि उपर्युक्त सभी कारण जो है संविधान का बृहद जो स्वरूप है उसके कारण है। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो है सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान संघात्मक है। ठीक है, क्या वो अर्धसंघात्मक है? भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये हमारा है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो भारतीय जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। ठीक है, क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको, क्वासी फेडरल है। और नेक्स्ट हम अगर इसमें आर देखें तो ये तो इसमें कह रहा है ना ही जो है संघात्मक है और ना ही एकात्मक, तो ऐसा नहीं है, ब्लेंड है दोनों का। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान का वर्णन भिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय परंतु जो है प्रबल एकात्मक, परिसंघीय तो है लेकिन सेंट्रल जो है सेंट्रल बायस जो है ज्यादा है, सेंट्रल ज्यादा जो है क्या है
पावरफुल है और केंद्र जो है समर्थक भी कहा गया है। इस संरचना में परसंघी है किंतु भावना में एकात्मक, ठीक है, संरचना में क्या है, परसंघी है किंतु भावना अगर देखें तो एकात्मक है। सामान्य स्थिति में परसंघी है किंतु आपात स्थिति में, जो अगर हम नॉर्मल सिचुएशन देखें तो क्या है वो उस परसंघी है, लेकिन अगर हम आपात की स्थिति इमरजेंसी देखें तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो एकात्मक हो जाता है, पूर्णतः एकात्मक हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान मूलतः बेसिकली क्या है, संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बासु भी करते हैं। तो दुर्गादास बासु हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि क्वासी फेडरल है, संघ तो है लेकिन ये परिसंघ है, एक्चुअली जो है सेंटर जो है थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से, और कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सेंटर होता है वो ज़्यादा जो है काफ़ी पावरफुल हो जाता है, स्टेट के पास पावर नहीं रह जाती। तो ये कहना कि संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, ये सत्य नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय जो संघवाद है उसको सहकारी संघवाद किसने कहा, जी ऑस्टिन, केसी वीलर और सर आइवर जेनिंग्स, डीडी बासु। तो जो जी ऑस्टिन है उन्होंने कहा कि ये सहकारी संघवाद है। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था, ध्यान रखिएगा जी ऑस्टिन ने ये चीज कही थी। तो भारतीय संविधान की जो जो प्रकृति है वो संघात्मक है, ये एकात्मक है, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक की संज्ञा देते हैं और कुछ कहते हैं कि ये एकात्मक संविधान है। और जी ऑस्टिन को अगर हम देखें तो जी ऑस्टिन जो है कहते हैं कि जो ये संविधान है हमारा वो सहकारी जो है परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी व्हीलर की बात अगर देखें तो केसी व्हीलर ने कहा कि ये अर्धसंघीय है। ठीक है, अर्धसंघीय है। किसने कहा कि भारत जो है अर्धसंघीय है? तो ये किसने कहा, केसी व्हीलर ने कहा। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछें कि अर्धसंघीय की ना पूछ के सहकारी संघवाद पूछे तो जी ऑस्टिन ने, तो ध्यान रखिएगा सहकारी संघवाद जो है जी ऑस्टिन ने और जो है संघीय वो केसी व्हीलर ने, तो सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में निम्न में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, अब ये कट गया, भारतीय संविधान अच्छा एक ये ब्लेंड है लचीले के मध्य और एक मतलब एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है कि हार्ड और टफ के बीच, यानी कि ये कठोर है, ये लचीला है, एक, एक, एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कहा गया, ये किसने कहा है? तो ये देखिए आपका, ये केसी व्हीलर कहते हैं, केसी व्हीलर कहते हैं, कौन कहता है, केसी व्हीलर। ठीक है, भारतीय संविधान जो है संविधान, भारतीय संविधान उपयुक्त कथन का किसका है, केसी व्हीलर का। केसी व्हीलर ने कहा कि ये जो है ना बहुत टफ है ना बहुत जो है बहुत ये जो है आपका सॉफ्ट है, यानी कि लचीला है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये जो है हमने स्टार्टिंग में देखा था, किसमें, उद्देशिका में हमने देखा था कि ये बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। देखिए बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यह एक एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है, ये एकीकृत भी है और संघात्मक भी है। ठीक है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने स्वीकार किया? तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने स्वीकार किया, ये हर्बर्ट साइमन है। ये कौन है, हर्बर्ट साइमन है। इन्होंने क्या किया, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो फ्रैंक मैरिनी और एफ डब्ल्यू रिंग्स के ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। ठीक है, विधि और स्वाधीनता के बीच, विधि जो है और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन सा प्रतिबंधित करता है हमारा, देख लीजिए, विधि और जो है स्वाधीनता के संबंध में एक संबंध जो है हमें जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो बताना है। यदि विधियां अधिक होंगी तो स्वाधीनता कम होगी, ऐसा है क्या कि बहुत सारे अगर रूल्स होंगे तो स्वाधीनता हमारी कम हो जाएगी? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, अगर कोई विधि नहीं है, कोई जो है रूल नहीं है तो क्या स्वाधीनता नहीं होगी? नेक्स्ट हमारा है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है,
यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो हमारा जो है सबसे उपयुक्त है ये जो आपका बी है, ठीक है। बी क्या कहता है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। तो ये जो आपका सही उत्तर है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं होगी। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है देख लीजिए जरा। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर स्वाधीनता जो है मतलब फ्रीडम अगर है तो अगर बिल्कुल भी कोई रूल रेगुलेशंस ना हो तो फ्रीडम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्थशास्त्री जो जॉन लॉक है, कौन अर्थशास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। क्या है, स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है, ठीक है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो कानून है, ठीक है, जो कानून है, लॉ है, वही जो है फ्रीडम की रक्षा करता है। वो कहते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं, ये जो है जॉन लॉक के अनुसार ये चीज सही है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विकास विकास प्रवासन की अवधारणा से संबंधित है। विकास प्रवासन प्रशासन सॉरी विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। तो देखिए, विकास प्रशासन की अवधारणा से ये है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। क्या है, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स सॉरी विकास प्रशासन की अवधारणाओं में फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने की के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं प्रवर्तित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। कौन सा ऐसा चिंतक है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है, वो है हेनरी फ्योल, ठीक है। हेनरी फ्योल हेनरी फ्योल क्या है, इनकी मोस्टली जो इनकी जो थियोरीज हैं वो मैनेजमेंट में जो है यूज होती हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो लोक प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है तथा निजी प्रशासन है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में समानताओं के समर्थक है। देखिए, प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार जब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन किसने कहा। अगर हमारा जो सभ्यता है वो अगर विफल होता है तो ये होगा हमारे प्रशासन के विफल होने के कारण, ध्वस्त होने के कारण। तो ये कहा गया है बी डॉनहम द्वारा। क्या नाम है इनका, बी डॉनहम, ठीक है। बी डॉनहम कहते हैं कि अगर हमारा संस्कृति जो है सभ्यता विफल होती है तो जो प्रशासन के ध्वस्त होने का के कारण ही यह होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बी डॉनहम ने अपनी पुस्तक, क्या कौन सी पुस्तक थी बी डॉनहम की, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या थी, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1936 में कहा कि यदि हमारी सभ्यता जो है असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है। जो इंडियन जो आपकी राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। संसदीय पद्धति की सरकार ये भी है, संघीय नीति भी है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं है, ये अमेरिका में, ठीक है। देखिए जो भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार जो है पद्धति नहीं है, बल्कि जो है यहाँ पे संसदीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ राष्ट्रपति शासन के औपचारिक, ठीक है, औपचारिक प्रमुख है, ठीक है, ये एक औपचारिक प्रमुख है राष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया है। नेक्स्ट हमारा है गणतंत्र, जो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। तो गणतंत्र के अवधारणा से संबंधित कौन एक नहीं है, देखिए कौन सा है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, तो गणतंत्र में यही होता है, गणतंत्र डेमोक्रेसी जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ठीक है, निर्वाचित जो प्रधान हो योनि में होगी, क्राउन में तो होगी नहीं, बिल्कुल सही, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान। वही नेक्स्ट हमारा
जो है ऑप्शन भी आ गया कि जो सर्वोच्च शक्ति है राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ये जो है हमारा गलत हो जाता है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी हमारा गणतंत्र की अवधारणा में है। ठीक है, तो विकल्प जो 3 है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं, जबकि अन्य सारे विकल्प संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनको विधि का शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है, विधि के शासन के रूप में। ठीक है, तो देखिए शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और आपका है स्वतंत्रता और नागरिकता के अधिकार। तो देखिए 1, 2 और 4 है, तो हमारा एक क्या है, किसके लिए, विधि के शासन के लिए कौन सा सही लक्षण, तो ये है शक्तियों का परिसीमन, ठीक है, विधि के समक्ष समता सही है, स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार, लेकिन सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व ये गलत है। ठीक है, देखिए प्रोफेसर डायसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 लक्षण दिए हैं। एक तो है विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य है कि जो विधि है वो सर्वोच्च है, और राज्य जो राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छा चरिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि का उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है यदि किसी या और जो है अन्य किसी हेतु नहीं। अगर किसी व्यक्ति को दंडित करता है, करना है, तो वो अगर विधि का उल्लंघन करता है तब उसको दंडित किया जा सकता है, बाकी और किसी के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित है। नेक्स्ट हमारा है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि के लिए सभी समान है, विधि के समक्ष जो है सभी समान है और कोई जो है उससे ऊपर नहीं है विधि से। ठीक है, विधि की भावना की प्रबलता, ठीक है ना, क्या है, प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य जो सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं के निर्धारण करने वाले न्यायिक जो विनिश्चय हैं उनका परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि, जो सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा सी नहीं है, विधि की भावना का प्रबलता है यहाँ पे। ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है इस वीडियो को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।